हमारे पापों के कारण जो था यीशु मसीह की जो सुंदरता थी वो खराब हो गई। देखिए उसको जब मारा गया, हमारे पापों के कारण मारा गया, पीटा गया, यहाँ पूरा शरीर जो है दागदार हो गया था, चेहरा दागदार हो गया था, आंखें सूज गई थी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसके 12 और 13 पद में, और वहां पर हमने सीखा था कि परमेश्वर प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक में कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या है, सोने का के दीप्तों के बीच में फिर रहा है और ऊपर से लेके नीचे तक वो बागा पहने हुए है, छाती पर पटुका बांधे हुए है, तो वो किस चीज को दर्शाया जाता। पिछले संदेश में हमने सीखा कि उसका जो है महायाजकीय रूप जो है वो प्रकट किया गया है, खास तौर से 13वें पद में जो है। और आज हम जो बात करेंगे प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसके 14वें पद के बारे में। पहले हम इस पद को पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। अब आप कहोगे कि इसमें क्या है, उसके बाल जो है वो उज्जवल श्वेत ऊन के समान अर्थात पाले के समान उज्जवल हैं और उसकी आंखें जो है आग की ज्वाला के समान है। आप सोचोगे इसमें है क्या, इसमें बहुत कुछ है। जी हाँ, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सिर के बालों का वर्णन जो है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सिर के बाल जो है श्वेत ऊन पाले के समान उज्जवल थे। उनमें एक बात विशेष तौर ध्यान देने की है कि बाल जो है उसके जो बाल हैं श्वेत अर्थात सफेद हैं, सफेद ऊन के समान मुलायम है। देखिए पूरे सफेद बाल हैं और ऊन के समान जो है वो मुलायम है। इसका मतलब क्या है, देखिए सिर के बाल पूरी तरीके से सफेद होने का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि ये अनुभवी व्यक्ति है, इसको बहुत ज्यादा अनुभव है। आज के जो नौजवान बच्चे हैं खासतौर से वो जो बुजुर्ग हो गए हैं जो सफेद बाल जिनके हैं और पूरे सफेद बाल होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये पुराने विचारों के हैं, पुराने रूढ़वादी व्यक्ति लोग हैं इन लोग, और ये रूढ़वादी व्यक्ति हैं और पुराने ख्याल के हैं, पुराने ख्यालात हैं इनके, ये आज की जनरेशन को या आज के समय को क्या समझेंगे। जी नहीं, ये सोच जो है बहुत गलत हो जाती है, क्योंकि यहां पर सफेद जो बालों का वर्णन दिया गया है यहां अनुभवी का एक्सपीरियंस जो है, और हर एक अच्छी बुरी और छोटी और बड़ी बातों का जो एक्सपीरियंस है जो अनुभव है वो बहुतायत से है। और यहां पर जो है सफेद बालों का वर्णन करने का मतलब क्या है, सफेद क्योंकि सफेद बाल जो है क्या है, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मगर यहां पर एक बात और कहता है कि उसका सिर भी श्वेत ऊन पाले के समान है। यहां दो बातें हैं, पहली उसके दिमाग में ऊन के समान कोमलता और सब मनुष्यों के लिए भरी हुई है। उसका सिर जो है, देखिए उसका सिर भी बताया है कि किसके समान है, श्वेत ऊन के समान जो है। श्वेत ऊन को जब आप पढ़ेंगे, ऊन क्या होता है, बहुत मुलायम होता है, यानी जो कोमलता है, जो यीशु मसीह की जो कोमलता है, जो पवित्रता है, वो उसके दिल दिमाग में हर एक मनुष्य के लिए, चाहे वो मनुष्य अच्छा हो चाहे वो मनुष्य बुरा हो। अब आप कहोगे कि बुरे मनुष्य के लिए क्या कोमलता, देखिए हर एक पर मैंने एक रेफरेंस हमेशा कोट करता हूं कि परमेश्वर जो है किसी भी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है, वो किसी भी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। अगर कोई पापी मन फिराता है, पश्चाताप करता है और अपना जीवन उसे समर्पित करता है, तो प्रभु यीशु मसीह की वो कोमलता जो उसके दिल दिमाग में समाई हुई है, वो कोमलता वो उस पापी मनुष्य के ऊपर भी प्रकट करता है। आप उड़ाव पुत्र की कहानी पढ़ लीजिए, आप ऐसे बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी और चंगाई देते समय क्या कहा, देख फिर पाप मत करना है, क्यों, यानी वो अपनी कोमलता प्रकट कर रहा है और उसने अपनी कोमलता उनके ऊपर प्रकट करी और उनको चंगाई दी, उनको उस दुख से, उस रोग से, उस परेशानी से छुटकारा दिया, मगर उसने एक सलाह भी उनको दी कि अब पाप मत करना। देखो
अब फिर से पाप मत करना। क्यों वो ऐसा कहता है कि देखो बार बार कोमलता कितनी बार प्रकट करेगा। हालांकि पतरस से वो कहता है कि तू अपने शत्रु को या किसी से भी 7 के 70 बार माफ कर, तो जब वो उससे कह सकता तो वो कितनी बार माफ करेगा, कितनी बार अपनी कोमलता प्रकट करता। सही बात है, वो हमेशा अपनी कोमलता को हर एक मनुष्य पर और विशेष तौर से पापियों पर प्रकट करता है, यहां पर जो है परमेश्वर कहता है। और दूसरी चीज क्या है, परमेश्वर का वचन यहां कोमलता के बारे में, इसलिए वे किसी भी पापी के मरने से क्या होता है, परेशान नहीं होता, वो उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहा है। देखिए सफेद बाल जो है वो एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस को दर्शा रहे हैं कि वो कितना एक्सपीरियंस है वो। और सिर्फ हम लोग क्या है, हम लोग तो जो देख लेती हैं, जो सुन लेते हैं या जो हमारे जीवन में घटनाएं घट जाती हैं, बस कुछ ही चीजों का एक्सपीरियंस होता है। मगर प्रभु यीशु मसीह का जो है एक्सपीरियंस बीते हुए समय का और वर्तमान समय का और आने वाले समय का भी एक्सपीरियंस है, उसको अनुभव है कि क्या होगा, क्या होने जा रहा हर एक चीज। अब सोचिए जिसके पास आने वाले समय का भी अनुभव है बहुत ज्यादा, तो वो कैसा मनुष्य होगा या कैसा ईश्वर होगा वो, है कितना है। और हमें ऐसे ईश्वर को, जो प्रभु यीशु मसीह का रूप, जो ईश्वरीय रूप है जो प्रकट किया गया है, उसको मानना है, क्योंकि वो भविष्य का भी अनुभव रखता है, वर्तमान का या बीते हुए समय का नहीं। बीते हुए समय का ही है, चलो भाई वो बात बीत गई थी, हाँ हो रही थी, ये सब कुछ है, मगर वो तो आने वाले समय का भी अनुभव रखता है, इसलिए जो है उसको कहा गया है। सुंदरता की जब हम बात करेंगे यीशु मसीह की सुंदरता के बारे में, देखिए मैं सिर्फ पॉइंट पढ़ूंगा, यशाया 53:2 जब आप पढ़ेंगे उसके अंदर लिखा है, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। जी हाँ, हमारे पापों के कारण जो था यीशु मसीह की जो सुंदरता थी वो खराब हो गई। देखिए उसको जब मारा गया, हमारे पापों के कारण मारा गया, पीटा गया, यहां पूरा शरीर जो है दागदार हो गया था, चेहरा दागदार हो गया था, आंखें सूज गई थी, सर में कांटे चुभे हुए थे और चेहरे पे सूजन थी, आंखें जो है उस सूजन के कारण आंखें बिल्कुल डिम हो गई थी और खून उसके चेहरे पर था, लथपथ था, उसकी सुंदरता जो थी वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी। और वो सुंदरता जो थी वो किसके लिए बिगाड़ी गई, वो मेरे और आपके लिए बिगाड़ी गई, और यीशु मसीह की। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी सुंदरता दी ताकि हम सुंदर बने। हम ऊपर से नहीं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊपर से सुंदर बनने की कोशिश करते हैं, लीपा पोती जो करते रहते हैं, ये लीपा पोती जो है ऊपर से नहीं, अंदर से प्रभु यीशु मसीह हमें सुंदर बनाना चाहता है। हमारा अंदरूनी जो रूप रंग है वो सुंदर होना चाहिए, जो निखर कर हमारे चेहरे पर आता है। और डैनियल भी जो है सफेद बालों के विषय में बात करता है, जब डैनियल 7:9 पढ़ेंगे तो डैनियल जो है एक दर्शन देखता है वहां पर, देखिए मैं पद नहीं पढ़ रहा हूँ, एक दर्शन को देखता है और न्याय के लिए जो है सिंहासन रखे गए हैं और उस पर जो है अति प्राचीन विराजमान हुआ और उसके बाल निर्बल और लिखा है ऊन सरीके थे। देखिए निर्बल यानी कोमल थे। अब वो देख रहा है न्याय का, ये वो प्रभु यीशु मसीह का वही रूप देख रहा है जो प्रकाशित वाक्य के अंदर दिखाया गया, डैनियल पहले देख चुका है। श्वेत बाल का वर्णन यानी कोई अनुभव व्यक्ति जो है उस न्याय के सिंहासन पर बैठा गया है और वो अपने अनुभव से जो है वो न्याय करता है। अब देखिए एक न्याय वाली बात जब आती है, जब सुलेमान ने कहा, सुलेमान ने परमेश्वर ने उससे कहा मांग तू क्या मांगता है, सुलेमान ने कहा कि मैं तो अभी बालक हूं तो मुझे बुद्धि दे ताकि मैं उस बुद्धि के साथ अपनी प्रजा को संचालित कर सकूं और उनका न्याय कर सकूं। और जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है सुलेमान एक ऐसा राजा हुआ कि उसके समान ना कोई बुद्धिमान था और ना होगा। लिखा उसने जब दो औरतों का जो बच्चे के लिए लड़ रही थी, वो एक कह रही थी ये मेरा बच्चा है, वो कह रही थी ये मेरा बच्चा है, तो उसने कहा ठीक है इस बच्चे के दो टुकड़े कर दो, आधा इसको दे दो आधा उसको दे दो। मगर जो सही माने में जो माँ थी उसने कहा नहीं मेरे प्रभु पूरा बच्चा इसको दे दो। जब स्त्री ने कहा कि पूरा बच्चा उसको दे दो तो सुलेमान कहता है ये बच्चा इस स्त्री का है इसको दे दो, क्योंकि इसने कहा पूरा बच्चा उसको दे दो। अब सोचिए जो ऐसी बुद्धि जो है, इस तरीके की बुद्धि से जो न्याय कर रहा है, जो ईश्वर के द्वारा उसको प्राप्त हुई है, तो अब सोचिए जो ईश्वर है जो न्याय करता है, न्यायकर्ता ईश्वर है, जब वो पराक्रम के साथ न्याय के सिंहासन पर बैठेगा तब कैसा न्याय होगा।
तब किस तरीके का न्याय आएगा, कौन बच सकता है उसके न्याय से? जी हाँ, वो अनुभव जो होता है पूरे अनुभव से भरा हुआ न्याय होगा, और वो सच्चा न्याय होगा, वो पक्षपात वाला न्याय नहीं होगा, वो मुंह देखा वाला न्याय नहीं होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का जो है ये रूप है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ पक्के बाल बालों के बारे में। जब आप नीति वचन 16 अध्याय उसका 31 पद पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। देखिए, सफेद बाल तो सबके हैं, जितने भी 50 साल के जब होने लगते हैं, 45-50 के जब होने लगते हैं तो बाल सफेद होने लगते हैं, और जब 70-80 पहुंचते तो पूरे बाल सफेद हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईश्वर की ओर से हो गए, ये बहुत ज्यादा अनुभव, उन्हें कोई अनुभव नहीं है। और ये सफेद बाल जो है किस प्रकार से बता रहा है कि जो धर्म के मार्ग पे चलते हुए जिनके बाल सफेद हुए हैं, जी हाँ, वो क्या है, वो उनके बाल जो है वो शोभायमान मुकुट जो है वो ठहरते हैं। अब संसारिक तरीके से चल रहे हैं, पूरा जीवन संसारिक तरीके से बिताया, पूरा जीवन संसारिक तरीके से समाप्त किया है, और फिर आपके बाल सफेद हो गए, तो ये कोई ऐसा अनुभव नहीं है। तो हर एक जाति में होता है, हर एक लोगों के बुजुर्गों के बीच में जो है, जो हर एक जाति में बुजुर्ग होते हैं उनके सफेद बाल होते हैं, ये नहीं। मगर जो धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म के मार्ग पर चलते हुए जिनके बाल सफेद हो रहे हैं, उनका अनुभव अलग होता है, उनका दृष्टिकोण अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है, उनकी समझ अलग होती है। यहां प्रभु यीशु मसीह के जो सफेद बालों का दिखाया गया है, सफेद बालों का जो वर्णन किया गया प्रकाशित वाक्य में, वो यही दिखाया गया है कि वो धर्म क्या कहते हैं, धर्म के मार्ग पर चला मनुष्य के रूप में, उसने धर्म की सारी बातों को पूरा करा है मनुष्य रूप में जब वो इस पृथ्वी पर था, और वो धार्मिक है, और वो धार्मिक प्रभु है। वो जो है उसकी सोच धार्मिक है, उसका देखना धार्मिक है, उसका न्याय धार्मिक है, उसकी हर बात जो है वो धार्मिकता को प्रकट करती है, धर्म को प्रकट करती है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये समझना जो है बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है यहां पर नीति वचन 20 अध्याय उसका 29 पद है, यहां लिखा है, जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पके बाल है। बूढ़ों की शोभा क्या है? पके बाल है। जी हाँ, पक्के बाल। अभी हमने पहले पढ़ा कि जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्राप्त हुए हैं, अगर धर्म के मार्ग पर चलते हुए आपके बाल पके हैं तो वो शोभा है, सुंदरता है। किस बात की सुंदरता है? कि आपने परमेश्वर को अनुभव किया हुआ है, आपने परमेश्वर के आत्मा का अनुभव किया हुआ है, आपने परमेश्वर के वचन का अनुभव किया है, उस वचन का जो पूरा होते हुए अनुभव किया है, और वो वचन जो जीवन में कार्य करता, जो इस संसार में कार्य करता दिखाई देता है, उसका अनुभव किया है। ये वो पके बाल वालों की बात हो रही। देखिए, रहस्य को जानना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो वचन है, उस वचन का अनुभव उससे ज्यादा और किसे होगा, परंतु जब हमें होता है उसके मार्ग पर चलते हुए तो उसकी बात अलग होती है, उसका वर्णन जो है वो अलग होता है। तीसरा पॉइंट है, जब आप लैव व्यवस्था 19 का 32 पद पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, पके बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़ों का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूं। अब यहां क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन लैव व्यवस्था, कि पके बाल वाले, यानी पके बाल वाले क्या होते हैं, वो इज्जत देने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको उनको इज्जत देनी चाहिए, वो इज्जतदार होते हैं, वो उम्र में बड़े होते हैं, वो अनुभव में बड़े होते हैं, उनके पास हर एक प्रकार का अनुभव होता है, हर एक प्रकार का एक्सपीरियंस होता है जो परमेश्वर ने उन्हें दिया हुआ होता है, वो हर अच्छी और बुरी बात के दौर से गुजरे होते हैं, हर अच्छे और बुरे की पहचानने का अनुभव उन्हें होता है, उनकी निगाहें उनको जानती हैं, उनको समझती हैं, इसलिए उनको इज्जत देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और खास तौर से उनके उनको बहुत ज्यादा इज्जत देना जरूरी होता है जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए जिनके बाल सफेद हुए हैं या पके पक गए हैं जिनके बाल, उनको इज्जत देना जो है बहुत ज्यादा समान। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर जो अनुभव की बात होती है, यानी हमें यहाँ तो मनुष्यों की बात हो रही कि मनुष्य को आदर मान सम्मान देना चाहिए, यीशु मसीह जिसके बाल पके हुए, जिसके बाल सफेद हैं, मुलायम हैं, और उसको कितना आदर मान सम्मान देना चाहिए,
ये सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि वो भविष्य का भी अनुभव रखता है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि वो भविष्य का भी अनुभव रखता है। उन भविष्य का, जिस बातों को हम जानते नहीं, जिस बातों को हमने देखा नहीं, हमारे भविष्य में क्या होने जा रहा, हमारे भविष्य में क्या है, उन बातों का भी अनुभव करता है। तो ये पके बाल वालों का जो है ये व्याख्या है, और इस कारण जो है हमें जो है प्रभु यीशु मसीह का भी और भी जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका आदर मान सम्मान करते रहना चाहिए। जी हाँ, 14वें पद में जो है उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। एक बात याद रखें, आग जो है वो शुद्धता का प्रतीक है, यानी वो शुद्धता को जो है वो प्रकट करती है, और यीशु मसीह के अंदर संपूर्ण शुद्धता पाई जाती है। आंख लिखा है उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। आग की ज्वाला का समान मतलब ये नहीं है क्योंकि उसकी आंखों से आग निकल रही है, लाल लाल आंखें हैं, आग निकल रही है, ये एक क्रोध का भी प्रकटीकरण होता है। जब आंखें लाल गुस्से में हो जाती है या कुछ हो जाता है, कई प्रकार के इसके प्रकटीकरण हैं, परंतु यहां पर बात यीशु मसीह की हो रही है, किसी मनुष्य की नहीं हो रही है, तो उसी के विषय में हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, कुछ बातें हैं जो हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 12 का जब 29 पद पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। जी, ध्यान दीजिएगा, हमारा परमेश्वर क्या है? एक भस्म करने वाली आग है। तो यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह की आंखें आग की ज्वाला के समान दिखाई जा रही हैं, ये बताया जा रहा है कि हमारा ये परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह जो है वो हमारा परमेश्वर है। वो क्या है? वो एक भस्म करने वाली आग भी है। जब आप उसके दूसरे आगमन के बारे में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि जब वो आकाश के बादलों पर आएगी तो आग उसके आगे आगे क्या करेगी? जलाती चली जाएगी। जी हाँ, जलाती चली जाएगी। परमेश्वर का वचन जो है वो बड़ी स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है। और यीशु मसीह के बारे में एक बात की गई है, कुलुसियों 1:15 है, वह तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आदर्श परमेश्वर का, यानी दिखाई ना देने वाले परमेश्वर का जो है वो क्या है? प्रतिरूप है, वो रूप है परमेश्वर का। कौन? प्रभु यीशु मसीह, जिसको हम लोग देखेंगे, आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे, न्याय करता हुआ देखेंगे, और उसके साथ जो उस प्रभु में रहते हैं या जो प्रभु में मर गए हैं उसके साथ राज करेंगे, तब उसको देखते रहेंगे, हजार साल तक जो है उसको देखते रहेंगे। परमेश्वर कितना अच्छा बात कहता है। जब आप यूहन्ना 14:8 उसका 8-9 पद पढ़ेंगे तो वहां पर एक बड़ी अच्छी बात जो है फिलिप्पुस की और प्रभु यीशु मसीह की बात होती है। फिलिप्पुस ने क्या कहा? हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। वो कहता है पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। अब प्रभु यीशु मसीह वहां पर फिलिप्पुस से क्या कहता है? वो एक बड़ी अच्छी बात कहता है, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? देखिए बड़ी अच्छी बात, प्रभु यीशु मसीह बार बार एक बात कहता है, मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ, मैं परमेश्वर से में से निकल कर आया हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ। मैं भाई सीधी सी बात है, जो परमेश्वर में से निकल कर आया वो परमेश्वर है, मगर यहाँ फिलिप्पुस की जो दुविधा है वो उसको दूर करता, तू क्यों कहता है? तू मुझे देखता है, तू मुझे जानता है सब कुछ है, और मैं ये कहता हूँ कि मैं पिता में से निकल कर आया हूँ। वो क्या कहता है? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। जी हाँ, पिता और पुत्र में कोई समानता नहीं है, वो एक ही है बिल्कुल। जैसा आपने यीशु मसीह को देखा तो आप ये समझिए आपने परमेश्वर को देख लिया है, और यही बात प्रभु यीशु मसीह जो है फिलिप्पुस को समझाना चाहता है। फिर वो कहता है तू क्यों कहता है कि हमें पिता को देखा, क्यों कह रहा है? मैं खुद हूं। जी हाँ, वो पिता, और उसके वहां लिखा ना कि परमेश्वर जो है भस्म करने वाली आग है। ये आग की ज्वाला जो प्रकाशित वाक्य के अंदर दिखाई दे रही, प्रभु यीशु मसीह की वो आंखों में आग की ज्वाला है। ज्वाला का मतलब क्या है कि वो पवित्रता, आग पवित्रता का तो प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह पवित्रता, पूरी तरीके से पवित्र है, परंतु वो जो है भस्म करने वाली आग, यानी ज्वाला जो है वो जल रही है, क्योंकि इस पृथ्वी का जो है और इस पृथ्वी के साथ शैतान का जो है और शैतान और उसकी शक्तियों का और उसके लोगों का जो है वो नाश जो है वो करने के लिए आ रहा है। ये नाश का जो है वो रूप जो है वो प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन इस बात को बड़े स्पष्ट तरीके से बताता है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन जो है, जब आप यिर्मयाह 23:23 उसका 29 पद पढ़ेंगे, जी हाँ, यिर्मयाह 23:29, मैं सिर्फ पॉइंट पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? अब ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन क्या है? आग सा नहीं है। जी हाँ, एक आग के समान, परमेश्वर का वचन एक आग के समान है। अब हम जब वचन की बात करते हैं,
यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय उसका पहला पद जब आप पढ़ेंगे तो मैं लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जी हाँ, वचन कौन था? देखिए आदि में परमेश्वर था, सॉरी आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और जब इसी का यूहन्ना की इंजील एक अध्याय का 14वां पद पढ़ेंगे तो उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है वचन देहधारी हुआ। किस कौन से वचन? उस वचन में जो आदि में था, जो परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही वचन था, वो वचन रूपी परमेश्वर ने एक देह को धारण करा के, कौन सी देह? यीशु मसीह की देह में धारण किया है। और यीशु मसीह की देह में धारण होकर जो है परमेश्वर जो है यहाँ पर आया है। एक बार फिर से हम जब प्रकाशित वाक्य एक का 11 से 13 तक पढ़ेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियों के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पेरगमुन और थुआथीरा और सर्दिस और फिलदेल्फिया और लोदिकिया को। और फिर लिखा बार में, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की सात दीप्तें देखी और उन दीप्तों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका जो था वो बांधे हुए था। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कह रहा है कि ये जो रूप है, ये जो ईश्वरीय रूप जो दिखाया जा रहा है, ये बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। ये हम इन पिछले संदेशों में पढ़ चुके हैं, पिछले संदेशों में सीखा है। मैं इससे पद को इसलिए पढ़ाया ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ, ये हमने किसके बारे में सीखा है और परमेश्वर का वचन जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है। फिर यहां लिखा है, जब आप अय्यूब 34 अध्याय उसका 21 पद पढ़ेंगे, यहां क्या है? क्योंकि ईश्वर की आंखें मनुष्यों के चाल चलन पर लगी रहती हैं। देखिए उसकी आंखें क्या, उसकी आंखों में ऐसी तीव्र रोशनी है जो उस रोशनी को प्रकट कर रही है। आंख की ज्वाला का मतलब है, यानी आंख की ज्वाला उसकी आंखों में ऐसी रोशनी है, इतनी तीव्र रोशनी है कि उससे कोई भी बात छुप नहीं सकती। कई अर्थ हैं इन चीजों के। क्रोध तो है, भस्म करने वाली आग तो उसके अंदर है, ठीक है, परंतु इसके साथ साथ क्या है, परमेश्वर का वचन एक आग सा है और वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है। जी हाँ, वचन किसके लिए कहा गया है? वो प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो वचन है, क्योंकि वचन देहधारी हुआ है। और यहाँ कह रहा है कि मनुष्य के हर चाल चलन को, हर बात को उसकी आंखें बड़ी बारीक से बारीक बात को भी देख लेती है। अगर वो गुप्त अंधेरे में भी अगर कोई बात करे, कोई ना देख पाए उस अंधेरे में, परंतु प्रभु ऐसे देखता है जैसे हम 20 दोपहरी में देखते हैं। इस तरीके से जो है परमेश्वर मनुष्य को देखता है। और फिर लिखा हुआ है भजन संहिता 33 के 14वें पद में लिखा है, देखिए मैं मेन पॉइंट पढ़ रहा हूं सिर्फ, यहाँ के लिखा है, अपने निवास के स्थान से वे पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। अपने निवास के स्थान से जो है वो अपने पृथ्वी के सब रहने वालों को जो है वो देखता है। तो प्रभु जो है वो उसकी आंखें जो है वो इस प्रकार से ज्योतिमय है कि वो उससे कोई बात छुप नहीं सकती है, कोई भी बात जो है। और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसकी आंखें आग की ज्वाला है। आग की ज्वाला दी गई, आग में जो है तीन चीजें होती हैं, देखिए तीन प्रकार के जो है किरणें दिखाई देती हैं। आप ध्यान दीजिएगा, एक तो किरणें दिखाई देती लाल रंग की, लाल रंग जो है पूरी तरीके से लाल रंग दिखाई नहीं देता है, मतलब झलक दिखाई देती है लाल रंग की जो है। और ये लाल रंग जो है ये ईश्वरीय रूप को दर्शाया जाता है, ईश्वरीय झलक जो है वो दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो ईश्वरीय रूप की जो झलक है वो दिखाई देती है, यानी परमेश्वर को प्रकट करता है वो लाल रंग जो है, जो लाल रंग की झलक जो है वो दिखाई देती है। फिर है दूसरा जो है पीले रंग की किरणें जो है वो दिखाई देती है। ये पीले रंग की किरणें जो है ये यीशु मसीह को प्रकट करती हैं। जी हाँ, यीशु मसीह का प्रकटीकरण है। और तीसरी जो किरण है वो नीले रंग की है, वो नीले रंग की जो है वो दिखाई देती है। और नीले रंग की जो किरणें हैं ये पवित्र आत्मा को दिखाई देती है, प्रकट करती है पवित्र आत्मा को। अब यहां पर जो है ये आग सरीका जो है जो यीशु मसीह की आंखों में, यानी यीशु मसीह के अंदर जो है इन तीनों चीजों का प्रकटीकरण है, यानी त्रि एक परमेश्वर की उपस्थिति को ये आग प्रकट कर रही है। जी हाँ, त्रि एक परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर जो था
और जो है यानी पवित्र आत्मा, और जो आने वाला है अर्थात न्यायकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह। हम पहले सीख चुके हैं कि जो था, जो है और जो आने वाला है, ये त्रि एक परमेश्वर का जो है ये ईश्वरीय प्रगटीकरण है। ये आग जो है इस बात को भी प्रकट करती है। लाल रंग जो झलक दिखाई देती है वो परमेश्वर को दर्शाया जाता है, पीला रंग जो है आग का वो प्रभु यीशु मसीह को का प्रगटीकरण है, और नीला जो रंग है इस समय जो पवित्र आत्मा का युग चला है ये पवित्र आत्मा को प्रकट करता है। यानी त्रि एक परमेश्वर का प्रगटीकरण है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको समझिए और इसको सीखने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन में ही इसको मत रखिए बल्कि लोगों तक इसको पहुँचाइए ताकि लोग परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जाने। जैसे मैं और आप आशीष पा रहे हैं ऐसी दूसरे लोग भी आपके द्वारा जो है आशीष पाए। और जब प्रभु देखेगा कि अरे ये जो वचन सीख रहा है, ये जो वचन सुन रहा है, ये आशीष तो पा रहा है परंतु ये दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बना है, वो कहता फिर मैं इसको और आशीष दूंगा और आशीष दूंगा। सुलेमान की तरह कि मांग तू क्या मांगता है। जब सुलेमान ने जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य किया, तो परमेश्वर ने कहा क्या कहा कि जो तूने नहीं मांगा है वो भी मैं तुझे देता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आप इस वचन को दूसरों तक पहुंचाएंगे, दूसरों तक शेयर करेंगे, दूसरों को बताएंगे, तो जो आपके जीवन में आप नहीं मांग रहे हैं या जिन चीजों की जरूरत है नहीं मिल पा रहा, वो भी प्रभु आपको देगा। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।